हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं उसमें हम ये बताएंगे कि अभी तक सहारा और सेबी का 36 का आंकड़ा ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि नियामक का कहना है कि सुब्रत राय से कि आपने अगर तो निवेशकों का धन वापस दिया है तो उसका कोई अभी तक बैंकिंग माध्यम से रुपया वापस करने का कोई साक्ष्य हमें प्रस्तुत क्यों नहीं किया। दोस्तों, इसी सब को लेकर अभी सारा सुब्रताय और सेबी के अंदर जो बीच की लकीर है उसमें दोनों तरफ तलवारें खींची हुई हैं। और इस सब को लेकर इस वक्त जो हमारे पास खबर है दोस्तों, वो ये है, जो हालात चल रहे हैं उसकी खबर ये है कि सारा समूह के खिलाफ बाज़ार नियामक सेबी ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। नियामक ने कहा है कि सारा समूह की अन्य कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। सेबी ने कंपनी और सुब्रत राय सहित उनके तत्कालीन निदेशकों को यह राशि 15% सालाना ब्याज के साथ निवेशकों को धन लौटाने के निर्देश दिया है। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने अपने आदेश में समूह की कंपनी सहारा कॉमर्शियल लिमिटेड SICCL और उसके तत्कालीन निदेशकों और संबद्ध इकाइयों को बाजार या किसी भी अन्य सार्वजनिक इकाइयों से धन जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी का यह आदेश कंपनी द्वारा 1996 से 2009 के बीच बांड जारी कर करीब 2 करोड़ निवेशकों से धन जुटाने संबंधी सेबी ने कहा कि SICCL ने 1998 और 2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए। यह राशि 1,98,39,949 निवेशकों से जुटाई गई। सेबी ने नया आदेश ऐसे समय पारित किया है जब सहारा समूह की 2 अन्य कंपनियों की 24 करोड़ से अधिक की राशि लौटाने के सेबी के 2011 के आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ इस वक्त हमारे सामने उभर कर आई है कि आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति सारा सुब्रत राय की। आगे खबर है कि सेबी ने तब सहारा समूह की सहारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SICCL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL को निवेशकों का धन लौटाने का आदेश दिया था। सारा को इन पुराने मामलों में उच्च न्यायालय की निगरानी में सेबी के एक विशेष खाते में राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है। समूह का कहना है कि यह पहले ही 98% राशि सीधे निवेशकों के खाते में डाल चुका है और सेबी को इसके सबूत उपलब्ध करा दिए हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर कहता है कि सबूत उपलब्ध करा दिए और सेबी का कहना है कि हमें कोई निवेशकों के पैसे लौटाने की बैंक खातों की कोई ऐसी ज्यादा दोस्तों सबूत नहीं इन्होंने पेश किए गए, केवल मौखिक तौर से कह रहे हैं कि मैंने इनको बाय हैंड दे दिया था। दोस्तों, ये सेबी मानने को तैयार नहीं। आगे खबर है कि इसके अलावा सहारा सेबी ने खाते में भी बड़ी राशि डाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बताया गया कि सहारा ने सेबी के खाते में एक बड़ी राशि डाली, लेकिन उसने आरोप लगाया कि नियामक अब तक निवेशकों को इसमें से बहुत छोटी राशि ही लौटा सका है। सहारा का कहना है कि निवेशक रुपये की वापसी के लिए सेबी का रुख नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रुपये मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक तरफ तो सेबी को सहारा का कहना है कि वो छोटी सी राशि निवेशकों तक पहुँचाई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 106 करोड़ की राशि 22,000 करोड़ रुपए में से लौटाई गई। तो यहाँ पर उन्होंने सारा समूह ने कहा है कि अभी तक सेबी ने छोटी सी राशि लौटाई, और दूसरी जुबान में यहाँ पर सहारा समूह कह रहा है कि उसने इनका भुगतान लगभग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ निवेशकों के रुपये वापस के लिए सेबी
को ये भी बताया जा रहा है कि उनने 95-98% निवेशकों का पैसा दे दिया है, और दूसरी तरफ से भी पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। तो दोस्तों दोनों तरफ जो है इस वक्त झूठ ही झूठ इस वक्त सहारा का नज़र आ रहा है। तो आगे खबर है कि SICCL के मामले में सेबी ने कहा कि कंपनी ने उसे बताया है कि 18 करोड़ रुपए को छोड़कर शेष राशि वह पहले ही निवेशकों को नकदी के रूप में लौटा चुका है। कंपनी के मुताबिक बॉन्ड धारकों द्वारा संपर्क नहीं किए जाने के कारण इस राशि को वापस नहीं किया जा सकता है। आगे खबर है कि हालांकि नियामक का कहना है कि कंपनी ने बैंकिंग माध्यम से रुपया वापस करने का कोई साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ दोस्तों नियामक यानी कि सेवी विभाग का सीधा सीधा कहना है कि कोई भी ऐसा सबूत जो आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो पैसे लौटाने का, कि मैंने 98% पैसा निवेशकों का खाते में डाल दिया है, तो उसका कोई प्रूफ तो दिखाना होगा। प्रूफ नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि आप और हम जानते हैं। तो उस पैसे को कहाँ से सबूत लाकर दिखाएं, वो कन्वर्ट वाले सबूत थोड़ी दिखा सकते हैं। और वो कन्वर्ट भी किए हैं तो क्यों शॉप में किए हैं, जो कि एक खरीद फरोख की एक ऐसी सिस्टम था जो वक्ती तौर से फर्जी तौर से इन कंपनियों को दो प्रतिबंध कंपनियों का पैसा उसमें इन्वेस्ट करना था, क्योंकि पैसा इन्हें सीधे तौर से ना तो निवेशकों को लौटाना था ना सेबी विभाग को लौटाना था। उनका सीधा सीधा निवेशकों को गुमराह करके और सेबी को उल्लू बनाकर और साथ के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध किया उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि इस वक्त सेवी विभाग सब कुछ जानता है कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि सारा सुब्रत राय को सद्बुद्धि आए और वो सेवी विभाग के 36 आग के आंकड़े में अपने आप को खासाब ना बनकर निवेशकों के हितों के बारे में सोचे और उन्हें जल्द से जल्द पैसा दे, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है निवेशकों को अपना पैसे का इंतज़ार करते हुए। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो जो आपके ज्ञानवर्धक को पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त।